ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ चतुर्भ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्य स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्य स्वाहा चतुर्भ्य स्वाहा अष्टाभ्यः चतुर्भ्यैति चतुर्भ्यः स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा अष्टाभ्य स्वाहा स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्य स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा अष्टाभ्यो अष्टाभ्य स्वाहा द्वादशभ्यः स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा द्वादशभ्य स्वाहा स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा द्वादशभ्यो द्वादशभ्य स्वाहा षोडशभ्यः द्वादशभ्यैति द्वादशभ्यः स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा षोडशभ्य स्वाहा स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा विगुंशति विगुंशति स्वाहा षोडशभ्य षोडशभ्य स्वाहा विगुंशति षोडशभ्यैति षोडशभ्यः स्वाहा स्वाहा विगुंशति स्वाहा स्वाहा विगुंशति स्वाहा स्वाहा विगुंशति स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा षण्णवत्यै षण्णवत्यै स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा षण्णवत्यै षण्णवत्यै स्वाहा स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा षण्णवत्यै स्वाहा स्वाहा षण्णवत्यै षण्णवत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा षण्णवत्यै षण्णवत्यै स्वाहा शताय षण्णवत्या इति षट् नवत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा पञ्चाभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्य स्वाहा दशभ्यो दशभ्य स्वाहा पञ्चभ्यः पञ्चभ्य स्वाहा दशभ्यः पञ्चभ्यैति पञ्चभ्यः स्वाहा दशभ्यो दशभ्य स्वाहा स्वाहा दशभ्य स्वाहा स्वाहा दशभ्य स्वाहा स्वाहा दशभ्य स्वाहा दशभ्य स्वाहा स्वाहा दशभ्यो दशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा दशभ्यो दशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्यः दशभ्य इति दशाभ्यः स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा पञ्चदशभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा पञ्चदशभ्य पञ्चदशभ्य स्वाहा विगुंशत्यै पञ्चदशभ्य इति पञ्चदशभ्यः स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा पञ्चनवत्यै पञ्चनवत्यै स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा पञ्चनवत्यै स्वाहा पञ्चनवत्यै पञ्चनवत्यै स्वाहा स्वाहा पञ्चनवत्यै स्वाहा स्वाहा पञ्चनवत्यै स्वाहा स्वाहा पञ्चनवत्यै स्वाहा
पञ्चनवत्यै स्वाहा स्वाहा पञ्चनवत्यै पञ्चनवत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा पञ्चनवत्यै पञ्चनवत्यै स्वाहा शताय पञ्चनवत्या इति पञ्च नवत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा दशभ्य स्वाहा स्वाहा दशभ्यो दशभ्य स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा दशभ्यो दशभ्य स्वाहा विगुंशत्यै दशभ्यैति दशभ्यः स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा त्रिगुंशते त्रिगुंशते स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा त्रिगुंशते स्वाहा त्रिगुंशते त्रिगुंशते स्वाहा स्वाहा त्रिगुंशते स्वाहा स्वाहा त्रिगुंशते स्वाहा स्वाहा त्रिगुंशते स्वाहा त्रिगुंशते स्वाहा स्वाहा त्रिगुंशते त्रिगुंशते स्वाहा चत्वारिगुंशते चत्वारिगुंशते स्वाहा त्रिगुंशते त्रिगुंशते स्वाहा चत्वारिगुंशते स्वाहा चत्वारिगुंशते चत्वारिगुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारिगुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारिगुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारिगुंशते स्वाहा चत्वारिगुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारिगुंशते चत्वारिगुंशते स्वाहा पञ्चाशते पञ्चाशते स्वाहा चत्वारिगुंशते चत्वारिगुंशते स्वाहा पञ्चाशते स्वाहा पञ्चाशते पञ्चाशते स्वाहा स्वाहा पञ्चाशते स्वाहा स्वाहा पञ्चाशते स्वाहा स्वाहा पञ्चाशते स्वाहा पञ्चाशते स्वाहा स्वाहा पञ्चाशते पञ्चाशते स्वाहा षष्टि षष्टि स्वाहा पञ्चाशते पञ्चाशते स्वाहा षष्टि स्वाहा षष्टि षष्टि स्वाहा स्वाहा षष्टि स्वाहा स्वाहा षष्टि स्वाहा स्वाहा षष्टि स्वाहा षष्टि स्वाहा स्वाहा षष्टि षष्टि स्वाहा सप्तत्यै सप्तत्यै स्वाहा षष्टि षष्टि स्वाहा सप्तत्यै स्वाहा सप्तत्यै सप्तत्यै स्वाहा स्वाहा सप्तत्यै स्वाहा स्वाहा सप्तत्यै स्वाहा स्वाहा सप्तत्यै स्वाहा सप्तत्यै स्वाहा स्वाहा सप्तत्यै सप्तत्यै स्वाहा शीत्याशीत्यै स्वाहा सप्तत्यै सप्तत्यै स्वाहा शीत्यै स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा अशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा नवत्यै नवत्यै स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा नवत्यै स्वाहा नवत्यै नवत्यै स्वाहा स्वाहा नवत्यै स्वाहा स्वाहा नवत्यै स्वाहा स्वाहा नवत्यै स्वाहा नवत्यै स्वाहा स्वाहा नवत्यै नवत्यै शताय शताय स्वाहा नवत्यै नवत्यै स्वाहा शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा विगुंशत्यै स्वाहा स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा चत्वारिगुंशते चत्वारिगुंशते स्वाहा विगुंशत्यै विगुंशत्यै स्वाहा चत्वारिगुंशते
स्वाहा चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि कुंशते स्वाहा चत्वारि कुंशते स्वाहा स्वाहा चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा चत्वारि कुंशते चत्वारि कुंशते स्वाहा षष्ठी स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी स्वाहा षष्ठी स्वाहा स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा षष्ठी षष्ठी स्वाहा शीत्यै स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्यै स्वाहा अशीत्यै स्वाहा स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा शताय शताय स्वाहा शीत्या अशीत्यै स्वाहा शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा शताय शताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा पञ्चाशते स्वाहा स्वाहा पञ्चाशते पञ्चाशते स्वाहा शताय शताय स्वाहा पञ्चाशते पञ्चाशते स्वाहा शताय स्वाहा शताय शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय स्वाहा शताय स्वाहा स्वाहा शताय शताय स्वाहा द्वाभ्यां द्वाभ्याग स्वाहा शताय शताय स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहा द्वाभ्यां द्वाभ्याग स्वाहा स्वाहा द्वाभ्यागं शताभ्यागं शताभ्यां द्वाभ्याग स्वाहा स्वाहा द्वाभ्यागं शताभ्याम् द्वाभ्यागं शताभ्यागं शताभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यागं शताभ्याग स्वाहा स्वाहा शताभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यागं शताभ्याग स्वाहा शताभ्याग स्वाहा स्वाहा शताभ्यागं शताभ्याग स्वाहा त्रिभ्यस्त्रिभ्य स्वाहा शताभ्यागं शताभ्याग स्वाहा त्रिभ्यः स्वाहा त्रिभ्यस्त्रिभ्य स्वाहा स्वाहा त्रिभ्य शताभ्य शतेभ्यस्त्रिभ्य स्वाहा स्वाहा त्रिभ्य शतेभ्यः त्रिभ्य शतेभ्य शतेभ्यस्त्रिभ्य त्रिभ्य शतेभ्य स्वाहा स्वाहा शतेभ्यस्त्रिभ्य त्रिभ्य शतेभ्य स्वाहा त्रिभ्य इति त्रिभ्यः शतेभ्य स्वाहा स्वाहा शतेभ्य शतेभ्य स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्य स्वाहा शतेभ्य शतेभ्य स्वाहा चतुर्भ्यः स्वाहा चतुर्भ्यश्चतुर्भ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्य शतेभ्य शतेभ्यश्चतुर्भ्य स्वाहा स्वाहा चतुर्भ्य शतेभ्यः चतुर्भ्य शतेभ्य शतेभ्यश्चतुर्भ्य शतुर्भ्य शतेभ्य स्वाहा स्वाहा शतेभ्य शतुर्भ्य शतुर्भ्य शतेभ्य स्वाहा चतुर्भ्य इति चतुः शतेभ्य स्वाहा स्वाहा शतेभ्य शतेभ्य स्वाहा पञ्चभ्य पञ्चभ्य स्वाहा शतेभ्य शतेभ्य स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा पञ्चभ्य पञ्चभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्य शतेभ्य शतेभ्य पञ्चभ्य स्वाहा स्वाहा पञ्चभ्य शतेभ्यः पञ्चभ्य शतेभ्य शतेभ्य पञ्चभ्य पञ्चभ्य शतेभ्य स्वाहा स्वाहा शतेभ्य पञ्चभ्य पञ्चभ्य शतेभ्य स्वाहा पञ्चभ्य इति पञ्चभ्यः शतेभ्य स्वाहा स्वाहा शतेभ्य शतेभ्य स्वाहा नवभ्य स्वाहा शतेभ्य शतेभ्य स्वाहा षड्भ्यः स्वाहा षड्भ्य षड्भ्य स्वाहा स्वाहा षड्भ्य शतेभ्य शतेभ्य षड्भ्य स्वाहा स्वाहा षड्भ्य शतेभ्यः षड्भ्य शतेभ्य शतेभ्य षड्भ्य षड्भ्य शतेभ्य स्वाहा स्वाहा शतेभ्य षड्भ्य षड्भ्य शतेभ्य स्वाहा षड्भ्य इति षड्भ्यः शतेभ्य स्वाहा स्वाहा शतेभ्य शतेभ्य स्वाहा सप्तभ्य सप्तभ्य स्वाहा शतेभ्य शतेभ्य स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा सप्तभ्य सप्तभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तभ्य शतेभ्य शतेभ्य सप्तभ्य स्वाहा स्वाहा सप्तभ्य शतेभ्यः
మధ్యాయ స్వాహ స్వాహ మధ్యాయ మధ్యాయ స్వాహాంతాయాంతాయ స్వాహ మధ్యాయ మధ్యాయ స్వాహాంతాయ స్వాహాంతాయాంతాయ స్వాహ స్వాహాంతాయ స్వాహ స్వాహాంతాయ స్వాహ స్వాహాంతాయ స్వాహ అంతాయ స్వాహ స్వాహాంతాయాంతాయ స్వాహ పరాంతాయ పరాంతాయ స్వాహాంతాయాంతాయ స్వాహ పరాంతాయ స్వాహ పరార్ధాయ పరార్ధాయ స్వాహ స్వాహ పరార్ధాయ స్వాహ స్వాహ పరార్ధాయ స్వాహ స్వాహ పరార్ధాయ స్వాహ పరార్ధాయ స్వాహ స్వాహ పరార్ధాయ పరార్ధాయ స్వాహోషస ఉషసే స్వాహ పరార్ధాయ పరార్ధాయ స్వాహోషసే పరార్ధాయేపి పర అర్ధాయ స్వాహోషస ఉషసే స్వాహ స్వాహోషసే స్వాహ స్వాహోషసే స్వాహ స్వాహోషసే స్వాహ ఉషసే స్వాహ స్వాహోషస ఉషసే స్వాహ వ్యుష్ట్యై వ్యుష్ట్యై స్వాహోషస ఉషసే స్వాహ వ్యుష్ట్యై స్వాహ వ్యుష్ట్యై వ్యుష్ట్యై స్వాహ స్వాహ వ్యుష్ట్యై స్వాహ స్వాహ వ్యుష్ట్యై స్వాహ స్వాహ వ్యుష్ట్యై స్వాహ వ్యుష్ట్యై స్వాహ స్వాహ వ్యుష్ట్యై వ్యుష్ట్యై స్వాహోదేశ్యతేశ్యతే స్వాహ వ్యుష్ట్యై వ్యుష్ట్యై స్వాహోదేశ్యతే వ్యుష్ట్యా ఇదిమి ఉష్ట్యై స్వాహోదేశ్యత ఉదేశ్యతే స్వాహ స్వాహోదేశ్యతే స్వాహ స్వాహోదేశ్యతే స్వాహ స్వాహోదేశ్యతే స్వాహ ఉదేశ్యతే స్వాహ స్వాహోదేశ్యత ఉదేశ్యతే స్వాహోద్యత ఉద్యతే స్వాహోదేశ్యత ఉదేశ్యతే స్వాహోద్యతే ఉదేశ్యత ఇత్యుదేశ్యతే స్వాహోద్యత ఉద్యతే స్వాహ స్వాహోద్యతే స్వాహ స్వాహోద్యతే స్వాహ స్వాహోద్యతే స్వాహ ఉద్యతే స్వాహ స్వాహోద్యత ఉద్యతే స్వాహోదితాయోదితాయ స్వాహోద్యత ఉద్యతే స్వాహోదితాయ ఉద్యత ఇత్యుదే స్వాహోదితాయోదితాయ స్వాహ స్వాహోదితాయ స్వాహ స్వాహోదితాయ స్వాహ స్వాహోదితాయ స్వాహ ఉదిదాయ స్వాహ స్వాహోదిదాయోదిదాయ స్వాహ సువర్గాయ సువర్గాయ స్వాహోదిదాయోదిదాయ స్వాహ సువర్గాయ ఉదితాయేత్యుదేయ స్వాహ సువర్గాయ సువర్గాయ స్వాహ స్వాహ సువర్గాయ స్వాహ స్వాహ సువర్గాయ స్వాహ స్వాహ సువర్గాయ స్వాహ స్వర్గాయ స్వాహ స్వాహ సువర్గాయ సువర్గాయ స్వాహ లోకాయ లోకాయ స్వాహ సువర్గాయ సువర్గాయ స్వాహ లోకాయ స్వర్గాయేది స్వాహాయ స్వాహ లోకాయ లోకాయ స్వాహ స్వాహ లోకాయ స్వాహ స్వాహ లోకాయ స్వాహ లోకాయ స్వాహ లోకాయ స్వాహ స్వాహ లోకాయ లోకాయ స్వాహ సర్వస్మై సర్వస్మై స్వాహ లోకాయ లోకాయ స్వాహ సర్వస్మై స్వాహ సర్వస్మై సర్వస్మై స్వాహ స్వాహ సర్వస్మై స్వాహ స్వాహ సర్వస్మై స్వాహ సర్వస్మై స్వాహ సర్వస్మై స్వాహ స్వాహ సర్వస్మై సర్వస్మై స్వాహ స్వాహేతి స్వాహ ప్రజరం వై వై ప్రథమం ప్రథమం వా ఏతేనైతేన వై ప్రథమం ప్రథమం వా ఏతేన ప్రజభమితి ప్రజవం వా ఏతేనైతేన వై వా ఏతేన యంతి యంత్యేతేన వై వా ఏతేన యంతి ఏతేన యంతి యంత్యేతేనైతేన యంతి యద్యద్యంత్యేతేనైతేన యంతి యత్ యంతి యద్యద్యంతి యంతి యద్దశమం దశమై యద్యంతి యంతి యద్దశమం యద్దశమంద సమయ్యద్యద్ద సమమహరహర్ద సమయ్యద్యద్ద సమమహః దశమమహరహర్ద సమంద సమమహః పాపావహీయం పాపావహీయమహర్ద సమంద సమమహః పాపావహీయం అహః పాపావహీయం పాపావహీయమహరః పాపావహీయం వై వై పాపావహీయమహరః పాపావహీయం వై పాపావహీయం వై వై పాపావహీయం పాపావహీయం వా ఏత ఏతే వై పాపావహీయం పాపావహీయం వా ఏతే పాపావహీయమిది పాప అవహీయం వా ఏతేనైతేన వై వా ఏతేన యమనే భవంతి ఏతేన వై వా ఏతేన భవంతి
ఏతేన భవంతి భవంతేతేనైతేన భవంతి యద్యద్ భవంతేతేనైతేన భవంతి యత్ భవంతి యద్యద్ భవంతి భవంతి యద్దశమం దశమం యద్ భవంతి భవంతి యద్దశమం యద్దశమం దశమం యద్యద్దశమం హరహర్దశమం యద్యద్దశమమః దశమం హరహర్దశమం దశమం హర్యో యో హర్దశమం దశమం హర్యః అహర్యో యో హర హర్యో వై వై యో హర హర్యో వై యో వై వై యో యో వై ప్రథమం ప్రథమం వై యో యో వై ప్రథమం వై ప్రథమం ప్రథమం వై వై ప్రథమం యతాం యతాం ప్రథమం వై వై ప్రథమం యతాం ప్రథమం యతాం యతాం ప్రథమం ప్రథమం యదామపథేన పథేన యదాం ప్రథమం ప్రథమం యదామపథేన ప్రజభమితి ప్రజవం యదామపథేనాపథేన అపథేన ప్రతిపద్యతే ప్రతిపద్యతే పథేనాపథేన ప్రతిపద్యతే యో య ప్రతిపద్యతే పథేనాపథేన ప్రతిపద్యతే యః ప్రతిపద్యతే యో య ప్రతిపద్యతే ప్రతిపద్యతే యస్థాణుస్థాణం యః ప్రతిపద్యతే ప్రతిపద్యతే యస్థాణుం ప్రతిపద్యతేతి ప్రతిపద్యతే యస్థాణుస్థాణయో యస్థాణుగుం హంతి హంతి స్థాణయో యస్థాణుగుం హంతి స్థానుగుం హంది హంది స్థానుగ్రస్థానుగుం హంది యో యో హంది స్థానుగ్రస్థానుగుం హంది యః హంది యో యో హంది హంది యో భ్రేషం భ్రేషం యో హంది హంది యో భ్రేషం యో భ్రేషం భ్రేషం యో యో భ్రేషం ఏతి ఏతి భ్రేషం యో యో భ్రేషం ఏతి భ్రేషం ఏతి ఏతి భ్రేషం భ్రేషం ఏతి ససం ఏతి భ్రేషం భ్రేషం ఏతి సహ నేతి సన్యేతి నేతి సహీయతే హీయతే సన్యేతి నేతి సహీయతే సహీయతే హీయతే సహీయతే 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 హీయతే సహీయతే హీయతే సయోయ సహీయతే హీయతే సయః సయో యస్య సయో వై వై యస్య సయో వై యో వై వై యో యో వై దశమే దశమే వై యో యో వై దశమే వై దశమే దశమే వై వై దశమే హన్న హంద సమే వై వై దశమే హన్న దశమే హన్న హంద సమే దశమే హన్న వివాక్యే వివాక్యే హంద సమే దశమే హన్న వివాక్యే అహన్న వివాక్యే వివాక్యే హన్న హన్న వివాక్య ఉపహన్యత ఉపహన్యతే వివాక్యే హన్న హన్న వివాక్య ఉపహన్యతే అవివాక్య ఉపహన్యత ఉపహన్యతే వివాక్యే వివాక్య ఉపహన్యతే సత ఉపహన్యతే వివాక్యే వివాక్య ఉపహన్యతే సహ అవివాక్య ఇత్యవి వాక్యే ఉపహన్యతే సత ఉపహన్యత ఉపహన్యతే సహీయతే హీయతే స ఉపహన్యత ఉపహన్యతే సహీ ఉపహన్యతయుత్యుపహన్యతే సహీయతే హీయతే సహీయతే తస్మై తస్మై హీయతే సహీయతే తస్మై హీయతే తస్మై తస్మై హీయతే హీయతే తస్మై యో యస్తస్మై హీయతే హీయతే తస్మై యః తస్మై యో యస్తస్మై తస్మై య ఉపహతాయోపహతాయ యస్తస్మై తస్మై య ఉపహతాయ య ఉపహతాయోపహతాయ యో య ఉపహతాయ వ్యాహ వ్యాహోపహతాయ యో య ఉపహతాయ వ్యాహ ఉపహతాయ వ్యాహ వ్యాహోపహతాయోపహతాయ వ్యాహతం తం వ్యాహోపహతాయోపహతాయ వ్యాహతం ఉపహతాయేత్యుపహతాయ వ్యాహతం తం వ్యాహ వ్యాహతమేవైవ తం వ్యాహ వ్యాహతమేవ వ్యాహేతి వి ఆహ తమేవైవ దంతమేవాన్ వారభ్యాన్ వారభ్యేవ దంతమేవాన్ వారభ్యా ఏవాన్ వారభ్యాన్ వారభ్యైవైవాన్ వారభ్యసగం సమన్ వారభ్యైవైవాన్ వారభ్యసం అన్వారభ్యసగం సమన్ వారభ్యాన్ వారభ్య సమశ్మితే శ్మితే సమన్ వారభ్యాన్ వారభ్య సమశ్మితే అన్వారభ్యేత్యనో ఆరభ్య సమశ్మితే శ్మితే సగం సమశ్మితే థా ఆశ్మితే సగం సమశ్మితే థా
अश्नुते थाथास्तदे अश्नुते थयोयो थास्तदे अश्नुते थयः अथयोयो थाथयो वैली यो थाथयो व्याः यो व्याह व्याह यो व्याह सव्याह यो व्याह सः व्याह सव्याह व्याह सहीयते हीयते सव्याह व्याह सहीयते व्याहेति वि आह सहीयते हीयते सहीयते तस्मात् हीयते सहीयते तस्मात् हीयते तस्मात् तस्मात् हीयते हीयते तस्मात् दशमे तस्मात् हीयते हीयते तस्मात् दशमे तस्मात् दशमे दशमे तस्मात् तस्मात् दशमे हन्न हन् दशमे तस्मात् तस्मात् दशमे हन्न दशमे हन्न हन् दशमे दशमे हन्न विभाग्ये विभाग्ये हन् दशमे दशमे हन्न विभाग्ये अहन्न विभाग्ये विभाग्ये हन्न हन्न विभाग्य उपहतायोपहताय विभाग्ये हन्न हन्न विभाग्य उपहताय अविभाग्य उपहतायोपहताय विभाग्ये विभाग्य उपहताय धनोपहताय विभाग्ये विभाग्य उपहताय न अविभाग्य इत्यविभाग्ये उपहता जननोपहतायोपहताय नव्युच्यम् व्युच्यन्नोपहतायोपहताय नव्युच्यम् उपहतायेत्युपहताय नव्युच्यम् व्युच्यन्न नव्युच्यमथो व्युच्यन्न नव्युच्यमथो व्युच्यमथो अथो व्युच्यम् व्युच्यमथो खलु खल्वथो व्युच्यम् व्युच्यमथो खलु व्युच्यमिति वि उच्यम् अथो खलु खल्वथो अथो खल्बाहुराहु खल्वथो अथो खल्बाहुः अथो इत्यथो खल्बाहुराहु खलु खल्बाहुर्यज्ञस्य यज्ञस्याहु खलु खल्बाहुर्यज्ञस्य आहुर्यज्ञस्य यज्ञस्याहुराहुर्यज्ञस्य वै वै यज्ञस्याहुराहुर्यज्ञस्य वै यज्ञस्य वै वै यज्ञस्य यज्ञस्य वै समर्थेन समर्थेन वै यज्ञस्य यज्ञस्य वै समर्थेन वै समर्थेन समर्थेन वै वै समर्थेन देवा देवाः समर्थेन वै वै समर्थेन देवाः समर्थेन देवा देवाः समर्थेन समर्थेन देवाः सुवर्गं सुवर्गं देवाः समर्थेन समर्थेन देवाः सुवर्गं समर्थेनेति समृद्धेन देवासु वर्गं सुवर्गं देवा देवासु वर्गं लोकं लोकं सुवर्गं देवा देवासु वर्गं लोकं सुवर्गं लोकं लोकं सुवर्गं सुवर्गं लोकमायन्नायं लोकं सुवर्गं सुवर्गं लोकमायन् सुवर्गमिति सुवहादं लोकमायन्नायं लोकं लोकमायन् यज्ञस्य यज्ञस्यायं लोकं लोकमायन् यज्ञस्य आयन यज्ञस्य यज्ञस्यायन्नायन यज्ञस्य व्यर्थेन व्यर्थेन यज्ञस्यायन्नायन यज्ञस्य व्यर्थेन यज्ञस्य व्यर्थेन व्यर्थेन यज्ञस्य यज्ञस्य व्यर्थेन असुरान् असुरान् व्यर्थेन यज्ञस्य यज्ञस्य व्यर्थेन असुरान् व्यर्थेन असुरान् असुरान् व्यर्थेन व्यर्थेन असुरान् परा परासुरान् व्यर्थेन व्यर्थेन असुरान् परा व्यर्थेने दिवि ऋद्धेन असुरान् परापरासुरान् असुरान् पराभावयन्न भावयन् परासुरान् असुरान् पराभावयन् पराभावयन्न भावयन् परापराभावयन्नितीत्यभावयन् परापराभावयन्निति अभावयन्नितीत्यभावयन्न भावयन्निति यद्यदित्यभावयन्न भावयन्निति यत् इति यद्यदिति यत् खलु खलु यदिति यत् खलु यत् खलु खलु यद्यत् खलु वै वै खलु यद्यत् खलु वै खलु वै वै खलु खलु वै यज्ञस्य यज्ञस्य वै खलु खलु वै यज्ञस्य वै यज्ञस्य यज्ञस्य वै वै यज्ञस्य समर्थकं समर्थं यज्ञस्य वै वै यज्ञस्य समर्थम् यज्ञस्य समर्थकं समर्थं यज्ञस्य यज्ञस्य समर्थं तत्तत् समर्थं यज्ञस्य यज्ञस्य समर्थं तत् समर्थं तत्तत् समर्थकं समर्थं तद्यजमानस्य यजमानस्य तत्समर्थकं समर्थं तद्यजमानस्य समृद्धमिति समृद्धम् तद्यजमानस्य यजमानस्य तत्तद्यजमानस्य यद्यद्यजमानस्य तत्तद्यजमानस्य यत्
यजमानस्य यद्यद्यजमानस्य यजमानस्य यद्यर्थम् यद्धम् यद्यजमानस्य यजमानस्य यद्यर्थम् यद्यर्थम् यद्धम् यद्यद्यर्थम् तद्यद्धम् यद्यद्यर्थम् तद् यर्धम् तद्यर्धम् यर्धम् तद्भ्रातृव्यस्य भ्रातृव्यस्य तद्यर्धम् यर्धम् तद्भ्रातृव्यस्य यर्धमिदिवीर्धम् तद्भ्रातृव्यस्य भ्रातृव्यस्य तत्तद्भ्रातृव्यस्य स स भ्रातृव्यस्य तत्तद्भ्रातृव्यस्य सः भ्रातृव्यस्य स स भ्रातृव्यस्य भ्रातृव्यस्य स यो यस्य भ्रातृव्यस्य भ्रातृव्यस्य स यः स यो यस्य स यो वै वै यस्य स यो वै यो वै वै यो यो वै दशमे दशमे वै यो यो वै दशमे वै दशमे दशमे वै वै दशमे हन्न हन् दशमे वै वै दशमे हन्न दशमे हन्न हन् दशमे दशमे हन्न विभाग्ये विभाग्ये हन् दशमे दशमे हन्न विभाग्ये अहन्न विभाग्ये विभाग्ये हन्न हन्न विभाग्य उपहन्यत उपहन्यते विभाग्ये हन्न हन्न विभाग्य उपहन्यते अविभाग्य उपहन्यत उपहन्यते विभाग्ये विभाग्य उपहन्यते स स उपहन्यते विभाग्ये विभाग्य उपहन्यते सः अविभाग्य इत्यविभाग्ये उपहन्यते स उपहन्यत उपहन्यते स एवैव स उपहन्यत उपहन्यते स एव उपहन्यत इत्युपहन्यते स एवैव स एवात्यत्येव स स एवाति एवात्यत्येवैवातिरेचयति रेचयत्यत्येवैवातिरेचयति अतिरेचयति रेचयत्यत्यतिरेचयति ते ते रेचयत्यत्यतिरेचयति ते रेचयति ते ते रेचयति रेचयति ते ये ये ते रेचयति रेचयति ते ये ते ये ये ते ते ये बाह्या बाह्या ये ते ते ये बाह्याः ये बाह्या बाह्या ये ये बाह्या दुषीगवो दुषीगवो बाह्या ये ये बाह्या दुषीगवः भाक्यादृशीकवो दृशीकवो वाक्या वाक्यादृशीकवस्युस्युर्दृशीकवो वाक्या वाक्यादृशीकवस्युः दृशीकवस्युस्युर्दृशीकवो दृशीकवस्युस्ते ते स्युर्दृशीकवो दृशीकवस्युस्ते स्युस्ते ते स्युस्युस्ते विविते स्युस्युस्ते वि ते विमिते ते विब्रूयुर्ब्रूयुर्विते ते विब्रूयुः ब्रूयुर्विब्रूयुर्विब्रूयुर्यदि ब्रूयुर्यदि यदि ब्रूयुर्ब्रूयुर्यदि तत्र तत्र यदि ब्रूयुर्ब्रूयुर्यदि तत्र यदि तत्र तत्र यदि यदि तत्र न न तत्र यदि यदि तत्र न तत्र न न तत्र तत्र न भिन्देयुर्विन्देयुर्न तत्र तत्र न भिन्देयुः न भिन्देयुर्भिन्देयुर्न न भिन्देयुरन्तस्स दशादन्तस्स दशाद् भिन्देयुर्न न भिन्देयुरन्तस्स दशात् भिन्देयुरन्तस्स दशादन्तस्स दशाद् भिन्देयुर्भिन्देयुरन्तस्स दशाद्युच्यम् युच्यमन्तस्स दशाद् भिन्देयुर्भिन्देयुरन्तस्स दशाद्युच्यम् अन्तस्स दशाद्युच्यम् युच्यमन्तस्स दशादन्तस्स दशाद्युच्यम् यदि यदिद्युच्यमन्तस्स दशादन्तस्स दशाद्युच्यम् यदि अन्तः सदसादित्यन्तः सदसात् युच्यं यदि यदिद्युच्यं द्युच्यं यदि तत्र तत्र यदि द्युच्यं द्युच्यं यदि तत्र द्युच्यमिति वि उच्यम् यदि तत्र तत्र यदि यदि तत्र न तत्र यदि यदि तत्र न तत्र न न तत्र तत्र न भिन्देयुर्भिन्देयुर्न तत्र तत्र न भिन्देयुः न भिन्देयुर्भिन्देयुर्न न भिन्देयुर्गृहपतिना गृहपतिना भिन्देयुर्न न भिन्देयुर्गृहपतिना भिन्देयुर्गृहपतिना गृहपतिना भिन्देयुर्भिन्देयुर्गृहपतिना व्युच्यं व्युच्यं गृहपतिना भिन्देयुर्भिन्देयुर्गृहपतिना व्युच्यम् गृहपतिना व्युच्यं व्युच्यं गृहपतिना गृहपतिना व्युच्यं तत्तद्व्युच्यं गृहपतिना गृहपतिना व्युच्यं तत् गृहपतिनेति गृहपतिनाः युच्यं तत्तद्व्युच्यं व्युच्यं तद्व्युच्यं व्युच्यं तद्व्युच्यं व्युच्यं तद्व्युच्यम् व्युच्यमिति वि उच्यम्
tadvyuchyam yuchyam tattadvyuchyam evaivavyuchyam tattadvyuchyam eva vyuchyam evaivavyuchyam yuchyam eva thathaivavyuchyam yuchyam eva tha yuchyam iti vi uchyam eva thathaivaiva thavaiva athaivaiva thavai athaivaiva athathava etadetadva athathava etad वा एतदेतद्वैवा एतत्सत्पराज्ञिया सत्पराज्ञिया एतद्वैवा एतत्सत्पराज्ञिया एतत्सर्पराज्ञिया सर्पराज्ञिया एतदेतत्सर्पराज्ञिया ऋग्भिरऋग्भिस्सर्पराज्ञिया एतदेतत्सर्पराज्ञिया ऋग्भिः सर्पराज्ञिया ऋग्भिरऋग्भिस्सर्पराज्ञिया सर्पराज्ञिया ऋग्भिस्तुवन्तिस्तुवन्तिर्भिस्सर्पराज्ञिया सर्पराज्ञिया ऋग्भिस्तुवन्ति सर्पराज्ञिया इति सर्पराज्ञियाः ऋग्भिस्तुवन्तिस्तुवन्तिर्ग्भिरऋग्भिस्तुवन्तीयम् यज्ञस्तुवन्तिर्ग्भिरऋग्भिस्तुवन्तीयम् ऋग्भिरित्रिगेभिः स्तुवन्तीयम् यज्ञस्तुवन्तिस्तुवन्तीयम् वैवा यज्ञस्तुवन्तिस्तुवन्तीयम् वै इयम् वैवा इयमियम् वै सर्पतो वा इयमियम् वै सर्पतः वै सर्पतः सर्पतो वै सर्पतो राज्ञी राज्ञी सर्पतो वै सर्पतो राज्ञी सर्पतो राज्ञी राज्ञी सर्पतः सर्पतो राज्ञी यद्यद्राज्ञी सर्पतः सर्पतो राज्ञी यद् राज्ञी यद्यद्राज्ञी राज्ञी यद्वै वै यद्राज्ञी राज्ञी यद्वै यद्वै वै यद्यद्वा अस्यामस्यां वै यद्यद्वा अस्याम् वा अस्यामस्यां वै वा अस्यां किं किमस्यां वै वा अस्यां किम् अस्यां किं किमस्यामस्यां किञ्च किमस्यामस्यां किञ्च किञ्च जगिं किञ्चाचन्त्यर्चन्ति जगिं किञ्चार्चन्ति चार्चन्त्यर्चन्ति चचार्चन्ति यदर्चन्ति चचार्चन्ति यद् अर्चन्ति यद्यदर्चन्त्यर्चन्ति यदा नृचुरा नृचुर्यदर्चन्त्यर्चन्ति यदा नृचुः यदा नृचरा नृचुर्यद्यदा नृचस्तेन तेना नृचुर्यद्यदा नृचस्तेन आनृचस्तेन तेना नृचुरा नृचुस्तेनेयमियद्येन नृचुरा नृचुस्तेनेयम् तेनेयमियन्ते न तेनेयं सर्पराज्ञी सर्पराज्ञीयन्ते न तेनेयं सर्पराज्ञी इयगौ सर्पराज्ञी सर्पराज्ञीयमियगौ सर्पराज्ञीयते सर्पराज्ञीयमियगौ सर्पराज्ञीते सर्पराज्ञीते ते सर्पराज्ञी सर्पराज्ञीते यजते सर्पराज्ञी सर्पराज्ञीते यत् सर्पराज्ञीति सर्पराज्ञी ते यजते ते यदेवैव यद्ते ते यदेव यदेवैव यद्यदेव किं किमेव यद्यदेव किम् एव किं किमेवैव किञ्च च किमेवैव किञ्च किञ्च च किं किञ्च वाचा वाचा च किं किञ्च वाचा च वाचा वाचा च वाचा नृचरा नृचर्वाचा च वाचा नृचुः वाचा नृचुरा नृचुर्वाचा वाचा नृचुर्यद्यदा नृचुर्वाचा वाचा नृचुर्यत् आनृचर्यद्यदा नृचरा नृचर्यदतो यदा नृचरा नृचर्यदतोधि यदतोऽध्यतोऽधि यद्यदतोऽध्यर्चितारोऽर्चितारोऽतोऽधि यद्यदतोऽध्यर्चितारः अतोऽध्यर्चितारोऽर्चितारोऽतोऽध्यतोऽध्यर्चितारः तदर्चितारोऽतोऽध्यतोऽध्यर्चितारस्तत् अर्चितारस्तत्तदर्चितारोऽर्चितारस्तदुभयमुभयम् तदर्चितारोऽर्चितारस्तदुभयम् तदुभयमुभयम् तत्तदुभयमात्वा त्वोभयम् तत्तदुभयमात्वा उभयमात्वा त्वोभयमुभयमात्वा वरुध्या वरुध्या त्वोभयमुभयमात्वा वरुध्या आत्वा वरुध्या वरुध्या त्वा त्वा वरुध्योदुत वरुध्या त्वा त्वा वरुध्योत् अवरुध्योदुत वरुध्या वरुध्योत्तिष्ठामोद वरुध्या वरुध्योत्तिष्ठाम अवरुध्येत्यवरुध्य
उत्तिष्ठामतिष्ठामोदुत्तिष्ठामेतीति तिष्ठामेतीति तिष्ठामतिष्ठामेतिताभिस्ताभिरिति तिष्ठामतिष्ठामेतिताभिः इदिताभिस्ताभिरिति दिताभिर्मनसा मनसा ताभिरिति दिताभिर्मनसा ताभिर्मनसा मनसा ताभिस्ताभिर्मनसा स्तुवते स्तुवते मनसा ताभिस्ताभिर्मनसा स्तुवते मनसा स्तुवते स्तुवते मनसा स्तुवते ननस्तुवते मनसा स्तुवते ननस्तुवते स्तुवते न वै वै नस्तुवते स्तुवते परिमितानि सामानि परिमितानि यजोगुंषि यजोगुंषि परिमितानि सामानि सामानि परिमितानि यजोगुंषि
పరిమితాని యజోగం షజోగం షపరిమితాని పరిమితాని యజోగశ్యథాథయజోగం షపరిమితాని పరిమితాని యజోగశ్యథ పరిమితాని పరిమితాని యజోగశ్యథాథయజోగం షజోగశ్యథైతస్యాథయజోగం షజోగశ్యథైతస్యా అంతోనాస్తినాస్తినాస్తినాస్తియద్ అస్తి యద్యదస్త్యస్తి యద్బ్రహ్మ బ్రహ్మ యదస్త్యస్తి యద్బ్రహ్మ యద్బ్రహ్మ బ్రహ్మ యద్యద్బ్రహ్మ తత్తద్బ్రహ్మ యద్యద్బ్రహ్మ తత్ బ్రహ్మ తత్తద్బ్రహ్మ బ్రహ్మ తత్ ప్రతిగృణతే బ్రహ్మ బ్రహ్మ తత్ ప్రతిగృణతే తత్ప్రతిగృణతే ప్రతిగృణతే తత్తత్ప్రతిగృణత ఆ ప్రతిగృణతే తత్తత్ప్రతిగృణత ఆ ప్రతిగృణత ఆ ప్రతిగృణతే ప్రతిగృణత ఆచక్షీత చక్షీత ప్రతిగృణతే ప్రతిగృణత ఆచక్షీత ప్రతిగృణత ఇది ప్రతిగృణతే ఆచక్షీత చక్షీత చక్షీత సస చక్షీత చక్షీత సహ చక్షీత సస చక్షీత చక్షీత స ప్రతిగర ప్రతిగర స చక్షీత చక్షీత స ప్రతిగర స ప్రతిగర ప్రతిగర స స ప్రతిగర ప్రతిగర ఇది ప్రతిగర హరి హర హర నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ కృత్తికా మండల వేద పారాయణం ఒరు 20 నాళాగ ప్రతిదినమం సాయంకాలం 6 మణి முதல் 7 மணி వరై கணபாராயணமாக நடந்துருக்கு. இந்த வருஷம் சப்தகாண்டம் பூர்த்தியாக போகிறது. பிரதி வருஷமும் 1 மண்டலம் 1 மணி நேரம் பாராயணம் பண்ணாலும் சம்பூர்ண வேத பாராயணமாக முடியுமான்னு கேட்டால் முடியல. அப்போ 1 வருஷத்தோட தொடர்ச்சியாக பண்ணின் வந்தது. இந்த வருஷம் டிசம்பர் 30ஆம் தேதி இந்த சம்பூர்ண கணபாராயணம் பூர்த்தி ஆகிறது. வேதத்தில் நமக்கு மகரிஷிகள் காலம்பர் எழுந்தா ராத்திரி வரைக்கும் இவன் என்ன என்ன கர்மாக்கள் பண்ணணும், நித்திய கர்மா என்ன, நைமித்திக கர்மா என்ன, காமிய கர்மா என்னென்ன அப்படின்னு ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு இது எல்லாத்தையும் நீ பண்ணிட்டே வரணும். சில பேர் கேள்வி கேட்பான், நான் ஏன் வேதம் படிக்கணும் அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னு காரணம் கேட்காம நீ படிக்கணும் அப்படிங்கிறத அவளே சொல்லிட்டா. இது உன்னோட கர்த்தவியம், உன்னோட டியூட்டி, உன்னோட கடமை. கேள்வியே கேட்காம உன்னோட ஜென்மா முழுக்க ஒரு 10 வருஷம் 12 வருஷம் ஒரு பாடசாலையில் இருந்து நீ அத்தியனம் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிட்டோ அதோடு முடிஞ்சு போயிடுதா, இந்த கோர்ஸ் முடிச்சாச்சு அப்படின்னா லௌகீகமான படிப்பில் அவன் ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டான் அப்படின்னா 2 வருஷமோ 4 வருஷமோ ஒரு டிகிரி வாங்கியாச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவன் அடுத்தபடியாக அவன் வாழ்க்கையில் உத்தியோகத்துக்காக என்ன அவன் பிளான் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வேதம் படித்தவா அவன் ஜென்மா முழுக்க உபனிஷத்து என்ன சொல்லி எடுத்து தத்தி தபஸ்தி தபா
அனவரதமும் இது தபஸாக உன்னோட வாழ்நாள் முழுக்க இத பாராயணம் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொல்லிடுது. அவாவா லௌகீகமாக பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு பிளான் பண்ணிக்கிறோம், ஆனா சாஸ்திரங்கள் மகரிஷிகள் நமக்கு என்ன சொல்லிட்டா, அதெல்லாம் உனக்கு கிடையாது. இந்த ஜென்மா உனக்கு கொடுத்தது பகவானோட மூச்சுக்காத்தா இருக்கக்கூடிய வேதத்தை முழுக்க அத்தியனம் பண்ணணும், மறக்காம வச்சுக்கணும், பண்ணினதை நித்தியம் பாராயணம் பண்ணணும். இன்னைக்கு அப்படி இருந்தா எல்லாருமே வேதம் படிக்க வரணும். ஏன் எல்லாரும் படிக்க வரமாட்டீங்கிறா அப்படின்னா, எந்த படிப்பு படிச்சா அவனுக்கு உத்தியோகம் கிடைக்கும், எந்த உத்தியோகம் இருந்தா அவனுக்கு நிரந்தரமாக அவன் வாழ்க்கையில அவன் சௌக்கியமா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற பார்வை தான் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு. அப்ப இவன் சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வேதமோ சாஸ்திரமோட அபிப்பிராயம் இல்லையா? நம்ம புத்திசக்திக்கு மேல வேதத்துக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் தெரியாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. எது உனக்கு நித்தியம், எது உனக்கு சுகத்தை நிரந்தரமாக கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு போய் ஒரு ஐடியில மாசம் இத்தனை லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன், வருஷத்துக்கு இவ்வளவு இன்கம் எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறவன் கிட்ட போய் உனக்கு இதுல நிம்மதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அவன்தான் பிரமாணம். மகரிஷிகள் சொன்னதையோ சாஸ்திரம் சொல்றதையோ நான் பிரமாணமா புஸ்தகத்துல காமிக்கிறத விட, அனுபவத்துல இருக்கிறவன் கிட்ட நீ நினைச்சது இந்த உத்தியோகத்துக்காக இந்த காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கணும், இந்த சீட்டு கிடைச்சதுன்னா இங்கே போஸ்டிங் கிடைக்கும், நம்ம வாழ்நாளில் சௌக்கியமா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு நீ பண்ணின, அப்படிதான் நீ இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. அதனால தான் மகரிஷிகள் என்ன பண்ணா, நீ உன் வாழ்நாளையே தபஸா வாழ்ந்துருந்தால் உனக்கு நிம்மதி மன நிறைவு இதில் கிடைக்கும், மற்றபடி உனக்கு என்ன திரவியம் வேணுமோ உன்னை தேடி வரும் அப்படிங்கிறத அவ தபஸ்னால கண்டுபிடிச்சு அவ நமக்கு உபதேசம் பண்ணா. எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறா, ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டா புத்திசாலின்னு நினைச்சுக்கிறோம். சமாதானம் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீ ஒரு விஷயத்துக்காக தபஸ் பண்ணி அதன் மூலமா உனக்கு ஒரு சாதனை பண்ணினா அதுலேயே உனக்கு ஒரு சமாதானம் வரும். நான் சொன்ன நித்திய கர்மா, நைமித்திக கர்மா, காமிய கர்மான்னு, சந்தியாவந்தனம் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, பண்ணினா ஏதாவது பலன் வருமா? காலம்பர நித்தியம் பிராத சந்தியாவந்தனம், மாத்தியானிகம், சாயம் சந்தியாவந்தனம் மூணும் நான் விடாம பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு யாராவது கேட்டா புண்ணியமே கிடைக்காது. ஏன் புண்ணியமே கிடைக்காதுங்கிறேல், நான் கரெக்டா இதை ஃபாலோ பண்றேனே அப்படின்னா, இன்கம் டேக்ஸ் கட்டினா ஏதாவது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு பணம் கொடுப்பாளா? கொடுக்க மாட்டா. அப்போ நான் ஏன் கட்டணும் அப்படின்னா கட்டிதான் ஆகணும். அந்த மாதிரி இந்த நித்திய கர்மா, நீ பண்ணா புண்ணியம் கிடையாது, பண்ணாம இருந்தா பாபம். அப்ப நைமித்திகம் அப்படின்னா, இப்ப இந்த மாசம் ஒரு கிரகணம் வரப்போறது, மாசம் கடைசியில கிரகண சமயத்துல கிரகணத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்நானம் பண்ணணும், ஸ்நானத்துக்கு அங்கமாக தர்ப்பணம் பண்ணணும். இந்த கர்மாக்கு பேரு நைமித்திக கர்மா. நித்தியம்ங்கிறது சந்தியாவந்தனம், நைமித்திக கர்மாங்கிறது கிரகண காலத்துல பண்ணக்கூடிய ஸ்நானம் தர்ப்பணங்கள். காமிய கர்மா அப்படிங்கிறது வேதத்துல நிறைய யார் யாருக்கு என்ன காமனைகள் இருக்கோ அந்த மந்திரங்களை பாராயணம் பண்ணி சிரவணம் பண்ணா அவனுக்கு அந்த காமிய கர்மா பூர்த்தி ஆகும். பல பேருக்கு வேதம் என்ன சொல்லிடுத்து, நீ எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி நீ தரித்திரனா வாழணும்னு சொல்லல. வாஸ்தவத்துல ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை விட ஒரு ஐடி கார, யாரெல்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பணத்தை சேர்த்து வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அவனை விட பல மடங்கு வேதம் எப்படி உனக்கு எதை சேர்த்து வச்சுக்கணுங்கிறது இங்கதான் சொல்றது. எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறா, தரித்திரனா வாழணும் வேதம் படித்தவன், அப்ப அதனால இது இந்த படிப்பு படிச்சுட்டா நம்ம வந்து சுபிக்ஷமா இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் இதுக்கு எல்லாரும் வராம
நம்ம மனுஷாலே எல்லாரும் லௌகீகமான படிப்பு படிக்கிறதுக்கு காரணம் இதுல சுகம் இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணம். இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு எப்படி எதை அனுபவிக்கணும், எந்த மார்க்கத்துல தர்மம் பண்ணணும், எப்படி சௌக்கியத்தை அனுபவிக்கணும், எந்த மாதிரி சௌக்கியத்தை அனுபவிச்சா இவனுக்கு சித்தசுத்தி ஏற்பட்டு இவனுக்கு சுவாமி கிட்ட மோட்ச மார்க்கத்துக்கு இவனுக்கு வழி கிடைக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாமே வகுத்து கொடுத்துருக்கா. ஆனா இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல சௌக்கியம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுண்டு இன்னைக்கு பழைய காலத்துல இல்லை இந்த வர்ணத்தால் இந்த காரியங்களை பண்ணணும்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு என்ன மனசுல படுறது, அவன் வசதி நம்ம மட்டமா, எல்லாருமே ஈக்குவல் தானே அப்படின்னு நினைச்சுண்டு தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுண்டு எல்லாரும் வியாபார ரீதியா போயிட்டோம். விவசாயம் பண்ணக்கூடியவன் அந்த காரியத்தை பார்த்தா, வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவன் அவன் நன்னா வியாபாரம் பண்ணி இவனுக்கும் லாபம் கிடைக்கும். பிராமணா சந்து நிர்பயாக லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து அப்படின்லாம் நம்ம சாஸ்திரங்கள் ஏன் சொல்லிடுத்துன்னா, ஒருத்தரை எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் பார்க்க முடியாது. கமிட்டியில் இருக்கிறவா கமிட்டி காரியத்தை பார்க்கலாம், பூஜை பண்றவா பூஜை பார்க்கலாம், பூஜையில் இருக்கிறவர் நான் அதையும் பார்க்கறேன் இதையும் பார்க்கறேன்னு எல்லாரையும் இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. பாராயணம் பண்றவா பாராயணம் பண்ணலாம், சிரவணம் அத்தியனம் பண்ணல அப்படின்னா சிரவணம் பண்ணி அதன் மூலமாக க்ஷேமத்தை அடையலாம். 60 வயசு 70 வயசுக்கு மேல நாங்க இந்த மாதிரி நீங்க சொல்றத கேட்டுட்டு நானும் படிக்கணும்னு ஆசைப்படலாம், ஆனா அது சின்ன வயசுல படிச்ச மாதிரி வயசான அப்புறம் வராது. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் மகரிஷிகள் என்ன பண்ணிட்டா, இந்த மனுஷியால் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்து இதை நன்னா பண்ணுங்கோ, நீங்க புத்திசக்தி யாருக்கு ஜாஸ்தி இருக்கோ அவன்கிட்ட அது சம்பந்தமான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை ஒப்படைச்சா, நீ இதை நன்னா பண்ணுவ, ஏன்னா இது மூல சம்பந்தமான காரியம், சரீரத்துக்கு சம்பந்தம், யார்கிட்ட தெம்பு ஜாஸ்தியா இருக்கோ அவனை தான் அந்த வேலையை செய்ய சொல்லுவா. புத்தினால வேலை செய்யறவனுக்கு ஒரு உத்தியோகம், உடம்புனால உழைக்கக்கூடியவனுக்கு ஒரு உத்தியோகம். இந்த மாதிரி பிரிச்சு கொடுத்த அப்புறம் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருந்தா, எல்லாரும் என்ன நினைச்சா, ஏன்னா நானும் புத்திசாலி தான், நான் ஏன் அதை வெயிட்டை தூக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு எல்லாரும் ஒரே ரீதியா போய், எல்லாரும் வியாபார ரீதியா இப்ப இருக்கு, எல்லாமே வியாபார ரீதியா இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஆத்மார்த்தமான காரியம் இல்லை. எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறா, ஆத்மார்த்தமா பண்ணக்கூடியவா இவா மட்டும், நீங்க அப்படியே பண்ணுங்கோ அப்படிங்கிறா. எல்லாமே அந்த ஒரு கண் பார்வையிலேயே இருக்கும்பொழுது இந்த ஆத்மார்த்தமா பண்ணக்கூடியவன் என்ன நினைக்கிறான், நம்ம மட்டும் ஏன் வியாபார ரீதியா இருக்கக்கூடாது, நம்மளும் இப்படி இருந்தாதான இந்த லோகத்துல விவகாரம் பண்ண முடியும்னு அவனோட அபிப்பிராயமும் எந்த அட்மாஸ்பியர்ல நம்ம இருக்கோமோ அதுதான் நமக்கு கிடைக்கும். நான் என்னதான் நன்னா தூங்கி இங்க வந்து பாராயணத்துல உட்காந்தாலும் சிரவணம் பண்ணக்கூடியவன் உட்காந்து கொட்டாவி விட்டுட்டே இருக்கா, அவளை பார்த்தா எனக்கும் அந்த சோம்பல் வந்துடும். அந்த மாதிரி எந்த பாசிட்டிவான எனர்ஜி எங்கிருந்து கிடைச்சால் எல்லாரும் க்ஷேமமாக இருக்க முடியுமோ அதை தான் நம்ம மகரிஷிகள் நமக்கு கொடுத்துருக்கா. அதை எவ்வளோ தூரம் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்ம அடுத்த சந்ததிகளுக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம், அவள் க்ஷேமமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி எல்லாரும் உழைக்கிறோம். பிரதி ஒரு மனுஷனும் அவனுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய சந்ததிகள் க்ஷேமமாக இருக்கிறதுக்காக அனவரதமும் கஷ்டப்படுறான். ஆனால் அவனுக்கே என்ன புரிகிறது, நம்ம சிரமப்படுறது அடுத்த சந்ததிக்கு போய் சௌக்கியத்தை போய் சேர்க்க போகிறதான்னு பார்த்தா இல்லை அப்படிங்கிறதும் தெரியறது. தெரிஞ்ச அப்புறம் அவன் அடுத்தபடியாக வேதத்திலையும் சாஸ்திரத்திலையும் சொல்லப்பட்டது நம்ம மகரிஷிகள் மகான்கள் மகாபெரிவா மாதிரி இருக்கக்கூடியவா நமக்கு உபதேசம் பண்ணினத 1% ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துண்டு அதை அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பண்ணினா, அவ என்ன சொல்றா, நான் ஜென்மா முழுக்க தபஸ் பண்ணது யாரா ஒருத்தர் அதை ஃபாலோ பண்ணினா நான் அவளுக்கு பூர்ணமாக அனுகிரகம் பண்றேன், நான் பண்ணின தபஸ் வீண் போகலை அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் படத்தை வச்சுட்டு பூஜை பண்றதுனால அவரோட தபஸ் சபலம் ஆயிடுதான்னா இல்லை, வேத புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு பூஜை பண்ணினா வேத சம்ரக்ஷணம் ஆகுமான்னா இல்லை, வேதாத்தியனம் பண்ணணும்,
வேதத்தை மறக்காம வச்சுக்கணும், வேதத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி பிரதி ஒரு மனுஷனுக்கும் யார் மனசுல குருவா வச்சுட்டு இருக்காளோ அவரோட வாக்குக்கு கட்டுப்பட்டு நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவ மனசுல அந்த எண்ணம் இருந்தால் அவ சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எவ்வளவு தூரம் நம்ம நித்தியம் ஆபீஸ் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி வேதம் படித்தவாளா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் பொதுவாக தான் நான் சொல்றேன், நம்ம அவ சொன்னது எவ்வளோ கடைபிடிக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம சந்ததிகளுக்கு அவளோட அனுகிரகமானது தீர்மானமாக கிடைக்கும். இத தபஸ்து அப்படிங்கிறது ஒரு நாளைக்கு பண்ணி அடுத்த நாள்ல ரிசல்ட் வருமா அப்படின்னு கேட்டா வராது. எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறா, ஒன்னு பண்ணியாச்சு, தெளிவா சொன்ன காரியத்தை ஒரு நாளைக்கு நான் பண்ணிட்டேன், இதோட போதுமா அப்படின்னா, நீ ஜென்மா முழுக்க பண்ணிட்டே இருந்தாதான் உன்னோடைய குழந்தைக்கு அந்த சம்ஸ்காரம் வரும். ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பண்ணி நிறுத்தினா வராது. சில அப்பா அம்மா என்கிட்ட சொல்றா, நாங்க டீச்சரா இருக்கோம் ரெண்டு பேரும், பல பேருக்கு நாங்க சொல்லி கொடுத்து அவ முன்னுக்கு வரா, எங்காத்து குழந்தைகள் நாங்க சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறா, எங்க கண் எதிர்க்கி அவ சிரமப்படுறத நாங்க பாக்குறோம், என்ன பண்றது அப்படிங்கிறா. இத்தனைக்கும் அவ ஒன்னும் விடாம அவ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா. எங்க மூலமாக பல பேர் நன்னா இருக்கா, எங்காத்து குழந்தைகள் சிரமப்படுறது அப்படிங்கிறா என்கிட்ட. இன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்னார், அப்பதான் நான் சொன்னேன், நீங்க விடாம ஒண்ணு பெரியவா சொன்னதை பண்ணிட்டு இருக்கேள், நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற தபஸானது வீண் போகாது, நிச்சயமா ஒரு நாளைக்கு நீங்க சொல்றத சொல்லிட்டு நிறுத்தியாச்சுங்கள், கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு அவன் உணர்வான், அவன் நிச்சயமா நீங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தது எல்லாத்தையும் பண்ணுவான். அந்த நம்பிக்கையோட நீங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருங்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா எல்லாருக்குமே ரிசல்ட் இல்லை அப்படிங்கிற போது அதுல ஒரு விரக்தி ஏற்படுறது, விரக்தி ஏற்பட்டா அந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வருது, நெகட்டிவா இருக்கும்போது நம்ம பண்ணக்கூடிய காரியங்கள்ல நமக்கு மனசு சாந்தியை கொடுக்காது. மனசாந்தி வேணும் அப்படின்னா எதையும் எதிர்பார்க்காமல் நீ பண்ண ஆரம்பிச்சால் கண்டிப்பாக மனசாந்தி கிடைக்கும். ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து பண்ணும்பொழுது அந்த எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தி ஆகல அப்படிங்கிற பொழுது பிரதி ஒரு மனுஷனுக்கும் துக்கம்தான். எப்படியும் ஜென்மா எடுத்தா துக்கம், எந்த எந்த இடத்துல நமக்கு சுகம் இருக்குன்னு நினைச்சுண்டு ஒரு விவகாரம் பண்றோமோ அந்த இடத்துல ஒரு நாளைக்கு துக்கம் தீர்மானம். ஆனா அதுக்காக எந்த சுகத்தையும் அனுபவிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஞானி கிடையாது. அப்போ சுகத்தை அனுபவிக்கணும், ஆனா இது நித்தியம் கிடையாது, இது தாற்காலிகம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அனுபவிக்கணுங்கிறது தான் நமக்கு சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. இந்த மாதிரி நிறைய உபதேசங்கள் நமக்கு வேதம் சாஸ்திரம் நிறைய சொல்லியிருக்கு. மகான்கள் அவதாரம் நிறைய பண்ணி நமக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கா. அந்த மாதிரி பண்ணின அந்த ஒரு பூமியில இருந்துட்டு நித்தியம் இந்த மாதிரி சிவ தரிசனம் கோவிலுக்கு தேவாலயத்துக்கு வந்து இந்த சாநித்தியம் பகவத் சாநித்தியம் இங்க பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா நிச்சயமாக நமக்கு நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வேத சப்தம், வேத சப்தத்தை கேட்க கேட்க நமக்கு இருக்கக்கூடிய துக்கங்கள் கவலை இதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும். புதுசா ஒருத்தன் எவ்வளவோ நம்ம ட்ரை பண்ணியாச்சு இனிமே எதுக்கு வாழணும் அப்படிங்கிறவன் கூட வேத சப்தத்தை கேட்டு அவனுக்கு ஒரு மனசுல ஒரு உற்சாகம் ஏற்பட்டு திருப்பியும் முதல்ல இருந்து ஏதோ ஒன்று நம்ம பொழுத வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா சமயம் போனா போனது தான், திருப்பியும் வராது. அதனால உன்னோட வாழ்நாளில் ஒரு பகவத் சந்நிதியில் சத்சங்கம் வேத சப்தம் இதெல்லாம் தான் உனக்கு ஜென்மா கொடுத்ததுக்கு பிரயோஜனமான சமயங்கள். இந்த சமயத்தை யார் எப்படி யூஸ் பண்ணிண்டு அவனுக்கும் நல்லத தேடிண்டு மற்றவனுக்கும் உபகாரமாக எல்லாரோட வாழ்க்கையும் இருக்கணும்னு சொல்லி சுவாமி சந்நிதியில பிரார்த்தனை பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். ஹரஹர நம பார்வதி பதயே ஹரஹர மகாதேவா.